अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैजिक लाइफ में मैं हूँ हमना उमैर, और आज रमज़ान का चौथा रोज़ा है। आपको रमज़ान का चौथा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। हम जो है सैरी करके रोज़ा रख लिया हुआ है, अब इफ्तारी की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो इफ्तारी के सामान के लिए मैंने अबू को भेजा है, वो सामान लेने गए हैं। तो अब इतने में खैर मिसा को मैं सुला रही थी, तो खैर मिसा की तबीयत इतनी ख़राब हुई है उसके, उसको गला ख़राब हो रहा है और बहुत ज़्यादा नोज़ रनिंग हो रही है। तो उसने जो है अभी सोते सोते उल्टी भी कर दी है, तो अब मुझे टेंशन लग गई है कि इसको क्या हो गया। तो मैं अब इसकी दवाई लेने डॉक्टर के जा रही हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसने उल्टी क्यों की है। तो अब मैं फार्मेसी पे जा रही हूँ, दवाई लेकर आती हूँ इसके लिए, ताकि इसकी तबीयत जो है वो ठीक हो। और आप सबको, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे ज़रूर शेयर कीजिए। और हमारे जितने भी अज़ीज़ रिश्तेदार हैं और जिनको हम नहीं भी जानते, अल्लाह ताला सबकी इन रमज़ान मुबारक के महीने में तमाम दुआओं को कबूल मंजूर फरमाए। तो अब मैं कैंसर की दवाई लेने जा रही हूँ इंशाल्लाह। तो मैं पहुँच के फिर आपको दिखाती हूँ डॉक्टर ने क्या कहा। गाय जो कैरोनिसा है, इसको खांसी भी आ रही है और ये अपने बेबी को जो है ये स्टीकर लगा रही है। स्टीकर लगा रही हो? हाँ जी खान सर, आपने उल्टी कर दी है? है बेबी खैरू सा खैरू हमें तो जब भी चाहिए वो मिल जाते हैं, लेकिन मेरी इधर आप इधर ट्रांसफर होगी सब बैंक लेते हैं। ये खैर उन्निसा की हमने यहाँ से दवाई ले ली है और ये मेरे हाथ में, और खैर उन्निसा अब जब अपने दादा के पास बैठ गई है, चीज पकड़ ली है हाथ में, तो तंग कर रही है। ये अब हम दवाई लेकर आ गए खैर उन्निसा की। खैर उन्निसा को अबू ने फ्लावर पकड़ाया हुआ है। खैरुनिसा ने फ्लावर पकड़ा। खैरुनिसा अपना फ्लावर दिखाओ। वालेकुम सलाम। खैरुनिसा अपना फ्लावर दिखाओ। खैरु फ्लावर दिखाओ ना। और मैं खैरुनिसा की दवाई ले आई हूँ, तो अब मैं घोल हूँ पकौड़ों के लिए बेसन, रोज़े की तैयारी करना शुरू कर दी है। मैंने चने बॉयल करने रख दिए मैं, और बेसन घोल रही हूँ ताकि हम गरम गरम पकोड़े बनाएं। तो गाइस फाइनली मैंने जो है समोसे बेसन बना लिया था, तो ये पकोड़े बनाए हैं, ये समोसा, ये रोल है, और ये खजूर है, चने की चाट है, दही भल्ले हैं, ये देख सकते हैं। ये मैंने जो है सामने नेबर्स के लिए निकाला है, उनको अफ्तारी भेज रही हूँ, और घर के लिए भी यही सब बना है। तो अफ्तारी का टाइम हो रहा है इस टाइम, जो दुआ मांगो कबूल मंजूर होती है, दुआ कबूल मंजूर पर माता अल्लाह ताला। तो अपने लिए भी दुआ करें, अपने प्यारों के लिए भी दुआ कीजिए। फाइनली हम रोज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं अफ्तारी का, उमैर भी उठ गए हैं रोज़ा अफ्तार करने के लिए, खैरुन्निसा भी बैठी है अपनी जगह पर। ये देख सकते हैं आप, सब चीज़ें मज़े मज़े की रेडी हो गई हैं। मैं चिप्स नहीं लाई, चिप्स लाना भूल गई, वो मैं लेकर आ रही हूँ अभी, वो चूल्हे पे हैं। ये देख सकते हैं फ्राइज बन रहे हैं साथ, बड़े मज़े के। बस अजान भी होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट रह गए, तो मेरे फ्राइज भी रेडी हो गए हैं, टेबल लग चुकी है, और ये मैं फ्राइज उतार रही हूँ, अजान का वेट कर रहे हैं। और इसी तरह से जो है रमज़ान मुबारक के बरकत के महीने में अल्लाह ताला जो है सबके रिस्क में अमल में इजाफा फरमाए, अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
फैमिली स्टार की तबीयत ख़राब हुई हुई थी तो उसको मैं नेबर्स हैं वो उन्होंने पकड़ा हुआ था, तो अब उनके रहते हुए मैंने जल्दी जल्दी फटाफट काम कर लिया तो काम हो गया। अब मैं तैयारी कंप्लीट हो गई और सिर्फ एग्जाम का वेट है और ये मेरे फ्राइज रेडी हो गए हैं, ये सालन भी बच गया। चलें ठीक है बस। तो गाइस जो है अब रोज़ अफ्तार हो चुका है और हम रोज़े जो है अफ्तार करने लगे हैं, रोज़े की नियत पढ़ने लगे हैं। आप लोग भी अपना रोज़ा अफ्तार कीजिए और दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारी दुआओं के साथ।